नमस्कार। बहुत जलना सी मरेगा नहीं, तो चिंता मत कर। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, भारत का विदेशी व्यापार। ठीक है, इंडियन फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले बात आती है कि विदेशी व्यापार कहते हैं किसे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उनके घरेलू उपभोग से अधिक होता है। एक देश का अधिशेष, अधिशेष को बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, अधिशेष उत्पादन घरेलू उत्पादन माइनस घरेलू उपभोग का क्या करेगा? वह इसे अन्य देशों को निर्यात करेगा तथा मुद्रा अर्जित करेगा। तो एक सिंपल सी बात आती है, अगर तुमसे पूछा जाए कि विदेशी व्यापार क्या है, तो आपका जवाब क्या होता है कि विदेशी व्यापार है घर में बनी हुई वस्तुओं का, जिसे हम बोलते हैं घरेलू उत्पादन, अगर इसमें से माइनस कर लें घरेलू उपभोग। उपभोग क्या होता है? प्रयोग करना। ठीक है, मान लो 100 रुपए का सामान बनाया, 50 का उपभोग कर लिया, कितने बच गए आगे? ये 50 ही क्या होगा? समझ आ गई बात? क्यों करेंगे विदेशी व्यापार? तो इसे व्यापार करने को क्या बोला जाता है? निर्यात। इससे क्या प्राप्त होगी? मुद्रा। हाँ ठीक है, विदेशी मुद्रा। क्लियर? ओके। विश्व में प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है तथा अन्य वस्तुओं का आयात करता है। विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात तथा आयात अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो उसमें लिखोगे दो देशों के मध्य वस्तुओं का आयात व निर्यात। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्लियर? अब बात ये आती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण पर आधारित है, अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करा क्यों जाता है? ठीक है, लागत लाभ लेने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, हर देश में कोई ना कोई चीज सस्ती बनती है। उसका रीजन ये है कि वहां पे वो कच्चा सामान ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो जहां पे अगर वो सस्ती बनेगी तो इसका मतलब उसकी लागत वहां पे क्या है? कम है। ठीक है, अब मेरे देश में वो चीज नहीं उगती, मान लो, तो मैं अगर उसे वहां से लेके आऊंगा तो मुझे सस्ती पड़ेगी, बजाय इसके कि मैं उसे यहाँ पैदा करूँ। समझ आई बात? तो ऐसी चीजें जो कि किसी देश खास में उगती है और वहां से उन्हें लाया जाता है तो उसकी लागत कम आती है। क्लियर? तो उससे लागत लाभ प्राप्त होता है। किससे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। दूसरा, देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर सकता है जिसका उत्पादन वह अन्य देश की तुलना में कम लागत पर करता है। ठीक है, तो यह विशिष्टता को बताया गया। विशिष्टता तो प्राप्त होती है जब वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर किसी वस्तु का उत्पादन करता है। ठीक है, बात विशिष्टता कब कहेंगे? विशिष्टता तभी तो कहेंगे जब वो क्या करेगा, और देशों की तुलना में उसे सस्ता बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार शेष विश्व को घरेलू बाजार की तुलना में उच्च कीमतों पर
ठीक है, निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे एक देश को भी फायदा होता है कि वो दूसरे देशों को वस्तु का निर्यात करता है, वो भी अच्छी कीमतों पर, भाई अपने देशों में सस्ते में बिक्री है क्यों, क्योंकि यहाँ पैदा होती है, पर अगर मैं वही चीज विदेशों में बेचूंगा तो क्या होगा, महंगी बिकेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शेष प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं उच्च कीमतों पर निर्यात किया जाता है। अच्छा, अगला आता है बाजार, एक विस्तृत आकार का बाजार, ठीक है, प्रदान करने करके अंतरराष्ट्रीय बाजार व्यापारिक भागीदारों के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ाता है। तो इसमें दो बातें आती हैं, पहला बाजार का आकार बड़ा होता है, दूसरा निर्यात के अवसरों में वृद्धि होती है, सॉरी निवेश के अवसरों में वृद्धि होती है। क्लियर, ओके। फोर्थ पॉइंट है, यह घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमतों पर वस्तुओं के आयात की भी सुविधा प्रदान करता है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ है। ठीक है, यानी कि हम उस वस्तु को खुद बनाए, उच्च निवेश के कारण जीडीपी समृद्धि होती है। ठीक है, अच्छा एक, हाँ ठीक है, हाँ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करता है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे छपेगा, तो क्वेश्चन यही सब, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करता है। ये है क्वेश्चन, सही पॉइंट हो रहा है, जीडीपी कारण प्रदान करता है। क्लियर, ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट